हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी, है ना। टाइम एंड वर्क जो टॉपिक था ना, बिल्कुल उसी के जैसा है पाइप एंड सिस्टर्न भी, कोई खास डिफरेंस नहीं है, है ना। ठीक है, तो चलो करते हैं, बात करते हैं ना, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के जरिए हम पाइप एंड सिस्टर्न टॉपिक को समझने वाले हैं बहुत अच्छे से, है ना। चलो करते स्टार्ट। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना। क्या है क्वेश्चन हमारा, देखो, दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 और 12 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 और 12 मिनट में भर सकते हैं ना। दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। क्लियर। अब हमारा वही काम करेंगे हम। 24 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24। तो वर्क यहां पर पाइप एंड टंकी में वर्क क्या होगा, टैंक को भरना, और इसको 24 लीटर बोल लीजिए। कितना बोल लीजिए इसको, 24 लीटर। क्लियर इतनी बात। ठीक है, ये हो गया आपका 24 लीटर, है ना। तो टैंक हुआ 24 लीटर का। ठीक है, एलसीएम लेना है, 24 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24। क्लियर। ठीक है, तब देखिए यहां से, तो पाइप एंड सिस्टर्न टाइम एंड वर्क जैसे ही है, पूरा का पूरा, कोई चेंज नहीं है। वहां भी एलसीएम लेते थे, यहां बस वर्क टंकी का क्षमता होगा, एफिशिएंसी होगी, कैपेसिटी होगी, मतलब टैंक कितने लीटर का है ना। तो टैंक हमने माना यहां पर कि कितने लीटर का है, 24 लीटर का। क्लियर। अब ध्यान देना, जैसे हमने कल किया था वैसे ही, 24 एकम 24 क्या, और 12 दुनी 24, 12 24 1 24 एंड 12 2 24। क्लियर, ये 1 और 2 एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई है आपकी एफिशिएंसी। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, अब टैंक को भरवाना कैसे है। तो देखिए, दोनों नलों को एक साथ खोला गया, दोनों को एक साथ खोला गया भैया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कितनी देर बाद एक को बंद कर दें, कितनी देर बाद किसको बंद कर दें, एक को, पता नहीं कितनी देर बाद एक को बंद कर दें, बंद किया जाए कि पूरा टैंक 10 मिनट में भर जाए। मतलब पूरे टैंक की डेडलाइन क्या दे दी गई हमें, कि भैया पूरा टैंक 10 मिनट में भर जाए, है ना। ठीक है, तो ए प्लस बी में से ए गया तो कौन बचा, बी। क्लियर, ए प्लस बी में से ए गया तो कौन बचा, बी। पूरा टैंक 10 मिनट में भर जाए। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, मतलब दोनों को एक साथ खोला, थोड़ी देर बाद एक को बंद कर दें ताकि पूरा टैंक 10 मिनट में भर जाए। ठीक है, अब हमें ये पता करना है इसमें, ठीक है, कि ए को कितनी देर बाद एक को बंद करा, निकालना क्या है, निकालना ये है कि कितनी देर बाद एक को बंद किया, ये निकालना है। ठीक है, मतलब ए को कितनी देर बाद बंद किया, मतलब ए का समय निकालना है, कितने समय इन्हें काम किया। तो समय का फॉर्मूला कार्य बटे क्षमता से होता है, पता है ना आप लोगों को, कार्य ए का और क्षमता भी एक ही। क्लियर, समय का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हम बात करें यहां पर कार्य बटे क्षमता की, ठीक है। तो चल, ए की क्षमता तो हमें पता है, 1 है, लेकिन कार्य कितना करना है ए को, ये हमें नहीं पता। तो ए का कार्य कब पता चलेगा, जब हम बी का काम 24 में से माइनस कर देंगे, बी का काम 24 में से माइनस कर देंगे तब ए का काम पता चलेगा। तो चलो, बी ने कितना काम किया, बी का काम निकाल लेते अभी हमें ना, किसका वर्क निकाल ले, वर्क ऑफ बी। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्लियर, तो चलो बी, तो एफिशिएंसी बी की, तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 2, और बी का टाइम कितना है, 10, तो 2 × 10 = 20 लीटर। तो बताइए 20 लीटर का काम बी ने किया क्या। अच्छा, बी ने कितनी देर काम किया, बी से पूछो कितनी देर काम किया, बी ने पूरे 10 मिनट काम किया, यहां भी और यहां भी। बी से पूछो, बी से, बी भैया तूने कितनी देर काम किया, बताइए 10 मिनट किया कि नहीं किया। आई बात समझ में। तो बी का वर्क, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, और बी का
टाइम कितना है 10 मिनट, तो बताइए 20 लीटर बी ने भरा, 24 में से 20 यदि इसने भरा तो आप ही बताओ 4 लीटर ए ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा, तो ए का काम 4 लीटर है कि नहीं है, तो 4 बटा 1 को सॉल्व करोगे तो 4 मिनट आएगा कि नहीं आएगा, तो टाइम ऑफ ए का समय 4 मिनट आया क्या, तो कितने देर बाद ए को बंद किया 4 मिनट। फिर से बताता हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं एक बार, है ना क्या कहानी है, ध्यान देना सभी लोग ठीक है। ए 24 मिनट भरता है बी 12 में, तो एलसीएम लिया 24, 24 एकम 24 24, 1 जा में 24 आएगा यानी कि ए की एफिशिएंसी 1, 12 दूनी 24 यानी कि बी की एफिशिएंसी 2, क्लियर। अब दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, तो दोनों को एक साथ खोला तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 10 मिनट भर जाए, तो कितनी देर बाद नल ए, तो हमने मान लिया यहां पे नल ए को बंद कर रहे हैं, तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 10 मिनट में भर जाए, यानी कि ए को बंद करने के बाद बी अकेला काम करेगा, क्लियर ठीक है, ताकि टैंक 10 मिनट में भर जाए। यानी कि अब ये सोचो यहां से ठीक है कि कितनी देर बाद ए को बंद किया, तो ए का समय निकालना, समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो चलो ए का काम और ए की क्षमता, तो ए की क्षमता तो पता है 1, लेकिन ए का कार्य पता नहीं था, तो पहले बी का काम, बी से पूछो भैया 24 लीटर में से तूने कितना काम किया, तो बी का काम हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ए का काम बचेगा। तो बी का काम, काम का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो बी की एफिशिएंसी कितनी 2, और टाइम कितना है 10 मिनट तक काम किया ना बी, देखो यहां से बी, यहां से यहां तक 10 मिनट, तो 20 लीटर बी ने काम किया, तो 24 में से 20 गया, तो ए का काम कितना बचा 4 लीटर, तो 4 लीटर एक की चाल से यानी कि 4 मिनट, तो ए का समय 4 मिनट आएगा क्या, तो कितने देर बाद ए को बंद किया जाए 4 मिनट। देखो आपके बिना बोले ही मैंने समझा दिया है ना ठीक है। हाँ गुड इवनिंग प्रतिभा शिवानी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। हाँ चलो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लूंगा अभी ना, करके दिखाना सभी लोग ठीक है, सॉल्व करके दिखाना मुझे, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ले रहा हूं मैं, है ना ठीक है। हाँ इसको कॉपी कर लें, एक और क्वेश्चन फिर मुझे करके दिखाना है ना, ऐसा है ठीक है, थोड़ा साइड हो जाता हूं मैं ना, कॉपी करिए इसको जल्दी से सभी लोग ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं है ना ठीक है, करके दिखाना आप लोग है ना, कुछ कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन में लेता हूं एक को। रुको ये इस टाइप का नहीं, थोड़ा डिफरेंट लेता हूं है ना, ये अभी दोनों को एक साथ खोला जाए टंकी भरने से 4 मिनट पहले बी को, एक मिनट भर देते हैं 10 ठीक, 4 बजे शाम को टंकी को भरने के लिए नल ए को कितने बजे, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए सभी लोग, सॉल्व करिए इसको जल्दी से है ना ठीक है। शिवानी एमपीपीसी में टाइम एंड वर्क टॉपिक नहीं है, एमपीपीएससी में टाइम एंड वर्क टॉपिक नहीं है, है ना, टाइम एंड वर्क दिया नहीं है उन्होंने, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई इक्वेशंस है ना, ऐसे टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं, उसमें टाइम एंड वर्क मेंशन नहीं किया उन्होंने। हाँ ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से है ना फटाफट ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं है ना जल्दी से, लास्ट 30 सेकंड्स सॉल्व करिए फास्ट। करिए सॉल्व करिए सभी लोग इसको है ना, आंसर आए तो प्लीज मेंशन करो। 3 है आंसर, अच्छा हाँ 3 पीएम करेक्ट शिवानी, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा।
दो नल ए तथा बी एक टंकी क्रमशः। आया किसी का आंसर, आया और किसी का आया क्या? शिवानी के अलावा और किसी ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का? नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सभी लोग, है ना, फटाफट। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है इसमें, है ना, जल्दी से करिए। ठीक है, रुपेंद्र सिंह राजपूत, थ्री आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए देखिए, बताता हूं, है ना। ठीक है, दो नल ए और बी एक टंकी को 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं ना, दो नल ए और बी एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60 लीटर का टैंक, क्लियर। ये टैंक या फिर वर्क, टैंक की कैपेसिटी या फिर ये क्या है, वर्क है, क्लियर। ठीक है, तो 10 6 जा 60 और 12 5 जा 60, क्लियर। तो एफिशिएंसी 6 और 5 आ गई, है ना। चलो अब कैसे करवाना है, दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया जाए। चलो करते हैं, दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया जाए, ठीक है ना। तो ठीक 4 बजे शाम को, और टारगेट क्या दिया है हमें, 4 PM। तो ठीक 4 बजे शाम को टंकी को भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? देखो 10 बजे दोनों नल को एक साथ खोला है ना, 10 बजे दोनों नलों को एक साथ खोला, ठीक है। अब इसके बाद ठीक शाम 4 बजे टंकी भर जाने का टारगेट है, इसके लिए ए को बीच में कितनी बजे बंद करें, ए को कितने बजे बंद करें बीच में, है ना, ये टास्क है हमारा। ठीक है, 10 बजे दोनों पाइप को खोलना है, ठीक 4 बजे टैंक भरा हुआ चाहिए ही चाहिए, बीच में ए को कितने बजे बंद करें बताओ। यदि बीच में ए को बंद करेंगे तो आखिरी में बी अकेला भर रहा होगा, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, कहानी सुनिए, है ना। ठीक है, तो कहानी ऐसी है कि 10 से 4 6 घंटे है क्या, 10 से 4 कितना है, 6 घंटे, क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ये वही कहानी पिछले सवाल जैसा ही सवाल है यार, कितने बजे ए को बंद करें, मतलब ए ने कितने देर तक काम किया ऐसा। ठीक है, ए का समय निकालना है, ए ने कितने समय तक काम किया, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ ए। चलो ए की एफिशिएंसी तो पता है हमें 6 है, लेकिन क्या नहीं पता, ए ने काम कितना करना है वो हमें नहीं पता। तो ए का काम तब पता चलेगा जब बी से पूछेंगे कि भैया बी तूने कितना किया, तो बी का काम 60 में से माइनस कर देंगे, बचा हुआ काम ए ने किया। तो बी से काम पूछे तो वर्क ऑफ बी निकालना है, बी का काम, तो वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। चलो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और 6 घंटे काम किया क्या बी ने, देखो यानी कि 30 लीटर का काम किसने किया, बी ने। अरे बी यहां से वहां तक पूरे 6 घंटे काम किया ना, तो 5 के चलते 30 लीटर, यानी कि 60 में से 30 बी ने भरा, तो बाकी ए ने भरा है 30, तो 30 बाई 6 करोगे तो 30/6 कितना आएगा, 5। आई क्या बात समझ में, क्लियर। तो 5 घंटे ए ने काम किया, तो 10 बजे में 5 घंटे जोड़ोगे तो दोपहर की 3 बजेगी, यानी कि कितने बजे ए को बंद किया, 10 बजे में 5 घंटा जोड़ो आप, तो दोपहर 3 बजे ए को बंद करना पड़ेगा,
10 12 का एलसीएम 60, 10 6 में 60 आएगा, 12 5 में एफिशिएंसी 6 और 5 आ गई, क्लियर। दोनों को एक साथ खोलना है सुबह 10 बजे और 4 बजे का टारगेट है, भर जाना चाहिए, सब लिखा हुआ है। और ए को बीच में कितने बजे बंद करना पड़ेगा 4 बजे टारगेट अचीव करने के लिए, वो हमें निकालना है। तो चलो अब ए का टाइम निकालना है, ए को कितने बजे बंद किया, टाइम की लंबाई, तो टाइम ऑफ है, वर्क ऑफ एफिशिएंसी ऑफ है, तो ए की एफिशिएंसी तो पता है 6, लेकिन वर्क पता नहीं था इसलिए पहले बी का काम पता किया 30, 60 में से 30 माइनस किया तब पता चला ए ने काम किया 30, तो 30 बटा 6 5 घंटे लगे ए को काम करने में। अच्छा बी का काम एफिशिएंसी इनटू टाइम, बी की एफिशिएंसी, बी का टाइम 6 घंटा काम किया बी ने शुरू से आखिर तक 30 लीटर, तो 30 लीटर ने किया 30 बटा 6 5 घंटे, यानी कि ए ने 5 घंटे तक काम किया। तो 10 बजे में 5 घंटा जोड़ो, यानी कि 10 में 5 घंटा जोड़ोगे, दोपहर 3 बजे ए को बंद करा, है ना, क्लियर है, आ गया होगा यार समझ, दो दो बार बता दिया मैंने, है ना, आया समझ में आया क्या सभी को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं फिर, है ना, नेक्स्ट वाला करके दिखाना ठीक है सभी लोग ध्यान से, है ना। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सेम सवाल बिल्कुल सेम करके दिखाओ सभी लोग, आंसर आना ही चाहिए इस क्वेश्चन का, है ना सभी का ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। हाँ आता है क्या आंसर इसका, प्लीज मेंशन करो जिसका भी आंसर आता है ना, बताओ मेरे को जिसका भी आंसर आया है ना। हाँ प्लीज बताइए जिस जिसका भी आंसर आए, हाँ किसी ने दिया आंसर, यस शिवानी, अरे सॉरी मैं बीच में आ रहा हूँ, आंसर 2 PM, देखते चेक करते है ना। शिवानी ने आंसर दिया है, बस शिवानी ने ही आंसर दिया है ना, सेम क्वेश्चन है यार, इसको सॉल्व करके दिखाओ फटाफट जल्दी से ना सभी लोग, है ना। क्या यूट्यूब पर लाइव नहीं था क्या? अच्छा हाँ। और कौन आंसर देगा शिवानी के अलावा, और किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी निकालिए फटाफट जल्दी से, सेम क्वेश्चन करवाया मैंने लगातार अभी इसी के जैसे, तो आंसर निकालो ना, आप खुद भी तो निकालो, मैं ही करता रहूंगा, मुझसे ही करवाओगे केवल सारे सवाल आप लोग, हाँ जल्दी से आंसर निकालिए इसका क्या आएगा, है ना।
पीएम प्रतिभा पूरा मेंशन करो, आपने सिर्फ पीएम लिखा है। बताओ बताओ, लास्ट दो मिनट और दे रहा हूं फिर मैं बताऊंगा, है ना, लास्ट टू मिनट्स, जल्दी सॉल्व करिए। Solve it fast. Your time starts now. हाँ आया क्या? हाँ प्रतिभा ने 3 PM दिया है। ओके ठीक है, 3 PM। शिवा ने 2 PM, दोनों अलग अलग दे रहे हैं। हाँ देखते हैं किसका सही होता है। हाँ ठीक है, लास्ट वन मिनट, स्टॉप वॉच लगा रखा है मैंने, जल्दी से फटाफट। और कोई आंसर देगा इसका? लास्ट वन मिनट, 45 seconds, लास्ट 45 सेकेंड, लास्ट 45 सेकेंड, जल्दी 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। और कोई आंसर दिया है? नहीं। लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर चाहिए, है ना। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो, ठीक है चल देखते, है ना। ए और बी एक टंकी को 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं ना, ए और बी टंकी को 20 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। चलो 20 और 24 का एलसीएम क्या आएगा? 120, तो 26 और 24 5, 26 और 24 5, क्लियर, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। अब दोनों नलों को 5 बजे सुबह खोल दिया जाए, दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोला है ना, ठीक है। दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोला, तो ठीक शाम 5 बजे टंकी, और ठीक शाम 5 बजे की डेडलाइन दे दी कि ठीक शाम 5 बजे टंकी भर जानी चाहिए। तो बताइए एक को बीच में कितने बजे बंद करें? सुबह 5 बजे दोनों को खोला है ना, ए और बी दोनों को, ए को बीच में कितने बजे बंद करें, ठीक है ना। ए को बीच में कितने बजे बंद करें, ठीक है, ताकि ठीक 5 बजे टंकी भर जाए, क्लियर। तो अब देखो यहां से 5 से 5 यानी कि 12 घंटे की टाइम लेंथ हो गई क्या ये? तो टाइम लेंथ कितने घंटे की हो गई? 12 घंटे, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए कितनी बजे बाद ए को बंद करें, तो सेम तो सवाल है ना यार, आप लोग आंसर नहीं निकालते हो यार। है? देखो मतलब ए ने कितने टाइम काम किया, टाइम ऑफ ए निकालना है फिर से, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, आई क्या बात समझ में, है ना, ठीक है। चलो यदि यहां से हम देखें, ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या है? 6। क्या नहीं पता? ए का वर्क नहीं पता, तो पहले बी का काम माइनस कर दे 120 में से। अच्छा ए गया तो लास्ट में बी ने काम किया होगा, है ना, तो चल वर्क ऑफ बी पता करते हैं। बी का वर्क, वर्क तो एफिशिएंसी ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी, तो बी की एफिशिएंसी 5 है और बी का टाइम कितना है? 12, तो 12 पंजे 60 लीटर, है ना।
120 में से 60 गया तो 60 काम बचा क्या? 120 में से 60 गया तो 60 बचा, 60 बाई 6 कितना आएगा? 10। तो 10 घंटे, 10 घंटे इन्हें काम किया। तो 5 बजे में 10 घंटा जोड़ो आप, 5 बजे में यदि आप 10 घंटा जोड़ोगे तो दोपहर 3 बजेगी क्या? तो कितनी बजे एक को बंद किया? दोपहर 3 बजे। आता है क्या समझ में? दोपहर 3 बजे को बंद किया है ना। फिर से बताता हूं, 20 24 का एलसीएम 120, 20 छंग और 24 पंचे, 6 और 5 एफिशिएंसी आ गई। अब यदि हम आगे देखते हैं, ठीक है ना, तो 5 बजे खोलना है सुबह और शाम 5 बजे टैंक की डेडलाइन भर जाना चाहिए प्रश्न अनुसार, ठीक है। और क्या तरीका है? दोनों को खोलो और बीच में कहीं एक को बंद करो। तो एक को कितने बजे बंद करेंगे निकालना, तो एक का टाइम निकालना, तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एक का वर्क कितना है और एक की एफिशिएंसी, तो 6 पता है, वर्क नहीं पता था ना शुरू में, इसलिए पहले बी का काम निकाला। तो 5 की चाल से 12 घंटा काम किया बी ने, तो 60 गया, तो वर्क पता चला 60, 60 बटा 6 नहीं कि ए ने 10 घंटे काम किया है। तो सुबह 5 बजे में 10 घंटा जोड़ो, सुबह 5 बजे में यदि आप 10 घंटा जोड़ते हो ना न्यूमेरिकली, तो देखो क्या आएगा, मैं बताऊं आपको। 5 बजे में 10 घंटा जोड़ोगे तो 15 बजे आएगा, 15 पीएम, मतलब 15 बजे मतलब क्या होता है, 3 पीएम होता है कि नहीं होता दोपहर की 3, या फिर नॉर्मली जोड़ लो तो 3 बजे बंद करेंगे। आया क्या समझ में? आया क्वेश्चन है ना, 3 पीएम आंसर आएगा, ठीक है। तो प्रतिभा ने आंसर सही दिया था, शिवानी ने शुरू में गड़बड़ की थी, रूपेंद्र 3 पीएम सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लू क्या अभी? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं, है ना, ठीक है, अगला सवाल लेते करके दिखाना सभी लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग, है ना, ठीक है। हाँ शिवानी, ठीक है, परफेक्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से, और आंसर आए तो प्लीज बताइए मुझे, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है ना, आंसर आए तो प्लीज बताओ जल्दी से, है ना, साइड हो जा रहा हूं मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए सभी लोग, है ना। हाँ, आया क्या आंसर किसी का? आया इसका नहीं?
किसी ने आंसर दिया? हाँ प्रतिभा ने दिया है, शिवानी ने दिया है 12 और प्रतिभा ने दिया है 10। अच्छा देख लेते हैं, देख लेते एक बार, है ना। जल्दी फटाफट, और किसी का आंसर आया नहीं? जल्दी आंसर दीजिए जल्दी से, मैं देख रहा हूं सभी को, है ना, जल्दी से आंसर दो फटाफट। हाँ और कोई, और किसी का आंसर आया क्या, प्लीज बताइए। 10 और 12 है ना, चलिए चलिए देखिए सभी लोग, है ना, मैं बताता हूं, ठीक है। अरे यार ये क्वेश्चन करना चाहिए ना आप लोगों को। हाँ देखिए, ए और बी किसी टंकी को 14 और 21 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है ना, ए और बी 14 मिनट और 21 मिनट में भर सकते हैं, क्लियर। तो 14 21 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 42 आएगा, 42 लीटर का टैंक बना लिया हमने, है ना, ठीक है, क्लियर। तो 14 थ्री जा 42 इन 21 टू जा 42, क्लियर। 14 थ्री जा इन 21 टू जा, ठीक है। अब देखिए दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, ठीक है भैया। अगला वाला करके दिखाना प्लीज, हा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूं। दोनों नल को एक साथ खोला गया, ठीक है, खोला गया, परंतु टंकी भरने से, टंकी भरने से 4 मिनट पहले, तो टंकी हम मान रहे हैं यहां पे टंकी भर जाती, तो भरने से कितने मिनट पहले, 4 मिनट पहले, टंकी भरने से 4 मिनट पहले, है ना, टंकी भरने से 4 मिनट पहले बी को बंद कर दिया, किसको बंद कर दिया, बी को। तो लास्ट में 4 मिनट ए अकेला काम किया होगा, 4 मिनट पहले बी को बंद कर दिया, जैसा कहा वैसा करना है, ठीक है। अब टंकी को भरने में लगा समय होगा, मतलब टोटल टाइम टंकी को भरने में कितना लगा शुरू से आखिरी तक, ये बताओ। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या करने का है, यहाँ का तो 4 मिनट पता है, यहाँ का मिनट्स पता चल जाए दोनों को जोड़ के टोटल टाइम आ जाएगा, यहाँ का 4 मिनट पता है, यहाँ का मिनट पता लग जाए दोनों को जोड़ के टोटल टाइम आ जाएगा, क्लियर। तब सुनिए मेरी बात, है ना, तो पहले हम यहाँ का टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यहां का टाइम निकालना है, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ना ए का टाइम निकालना ना बी का निकालना, दोनों का निकालना है। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो वर्क भी ए और बी दोनों का और एफिशिएंसी भी ए और बी दोनों की, आया समझ में। चलो ए और बी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 5 हो गई क्या, ए और बी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी क्या हो गई, 5, और ए और बी का वर्क, ए ने 4 मिनट काम किया ना, तो ए से पूछे ए ने कितने काम किया 4 मिनट में, क्योंकि 42 में से इधर का काम कट कर देंगे तभी तो ए प्लस बी का इधर का काम बचेगा ना। ये टाइम निकालने के लिए देखो, ये टाइम तो पता है, ये टाइम निकल जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा, अगला करके दिखाना है ना नेक्स्ट वाला, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है, 5, क्लियर। और वर्क की यदि हम बात करें, ठीक है, वर्क की, तो वर्क यहां का इस
इस एरिया का वर्क हमें पता नहीं है, तो पहले इसका वर्क पता कर ले, माइनस करेंगे तो इसका वर्क बचेगा। तो ए ने चार मिनट काम किया ना, तो वर्क ऑफ ए, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। चलो एफिशिएंसी कितनी है, एक ही तीन, और टाइम कितना है, चार मिनट। तो बताइए 12 लीटर काम हुआ क्या, कितना काम हुआ, 42 में से 12, 42 में से 12 गया तो 30 लीटर बचा क्या, कितना बचा, 30 लीटर। क्लियर? तो टाइम इज इक्वल टू वर्क कितना आया, 30 है ना, ठीक है। तो 30 बाय 5 करेंगे तो बताइए 6 मिनट आएगा क्या, तो ये वाला टाइम 6 मिनट आया, तो 6 और 4 टोटल 10 मिनट में टैंक भरा, तो आंसर आएगा 10 मिनट्स। क्लियर? किसने सही आंसर दिया था, 10 किसने लिखा था, प्रतिभा ने सही दिया था, और प्रतिभा ने फिर 10 के बाद 12 कर दिया 10 ही मिनट तो आएगा ना, 6 और 4 टोटल 10, 12 क्यों कर दिया आपने, है ना। सो आंसर इज 10 मिनट्स ओनली। क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। हाउ मच टाइम विल द पाइप टेक्स, विल द पाइप टेक टू फिल द टैंक। फिर से बताऊं, एलसीएम लिया, 3 और 2 आया, ए और बी को एक साथ खोला, ठीक है ना। टंकी के भरने के 4 मिनट पहले बी को बंद करना है, ये है, तो यहाँ ए प्लस बी, बी को बंद किया, लास्ट में ए ने 4 मिनट में 12 लीटर काम किया, ये देखो। तो